स्कूली छात्रों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। कासगंज के सोरो नगर में स्थित सरस्वती शिक्षा निकेतन विद्यालय एवं द ग्रेट अशोका एजुकेशन विद्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार छात्र छात्राओं ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। छात्राओं ने छात्रों के हाथ पर राखी बांधी तथा विद्यालय के प्रबंधक श्री रूप किशोर मौर्य ने कहा कि लड़ना झगड़ना और मन लेना यही है भाई बहन का प्यार। इसी प्यार को बढ़ाने के लिए हर वर्ष हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रूप किशोर मौर्य ने विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री प्रमोद चौहान ने कहा कि हम चाइना से बनी राखी का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। और उन्होंने बताया कि विद्यालय में छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर कलावा बांधा है। इस मौके पर सूरज सिंह चौहान, प्रमोद चौहान, रूप किशोर मौर्य, राजीव शर्मा, भावना शर्मा, स्वाति शर्मा, अलका मौर्य, अजय, प्रमोद कुमार, संध्या एवं समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? किस स्कूल में पढ़ते हो आप? कहाँ है ये? जिंदगी पर रख दी रोक नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आप स्कूल में क्या हैं? प्रधानाचार्य हैं। आप ये बच्चों से राखी बंधवा क्या करते हैं? मैं इनको ये सब भाईचारे का संदेश देते हैं और बच्चों को बताया कि है हम लोग जो है देसी वस्तुओं का प्रयोग करें और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। हमने रक्षा जो सूत्र है वह कलावा बांध करके बच्चों को संदेश दिया कि हमको चाइनीज वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए और देसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। कासगंज से टॉप न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।